देखिए आज के क्लास हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे SN2 के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 के बारे में डिस्कस करेंगे। होता है ये तुम्हारे पास कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसमें एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेट में ही इसके ऊपर अटैक करता है। लिविंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन जो होता है पॉजिटिव। अब देखो न्यूक्लियोफाइल बगल में लिविंग ग्रुप जिसमें माइनस है, कार्बन प्लस है, तो न्यूक्लियोफाइल चाहता है कार्बन के ऊपर अटैक, ठीक है। लेकिन फ्रंट साइड से उसको L- के मौजूद होने से अटैक करने में प्रॉब्लम होगा, तो ये बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। ये है बैक साइड अटैक। किसका? तो न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जब ये बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो बीच में एक स्टेप आता है जहां न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और लिविंग ग्रुप धीरे धीरे कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ रहा है, बाकी सब बॉन्ड्स बीच में है। ये बीच का जो स्टेज अभी आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग TS कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। हाइपोथेटिकल होता है, देयर इज नो रियल एग्जिस्टेंस। ट्रांजिशन स्टेट TS हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। कारण क्या है कि एक ही समय में कार्बन 5 बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। बस आपको समझाने का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ जुड़ गया और बाकी तीनों बॉन्ड अलग साथ में लग गया, अलग हो गया एल माइनस, साथ में लग गया एल माइनस, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट। अब जरा चीजों को ध्यान से देखो और समझने का कोशिश। फर्स्ट स्टेट जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक किया ना, वो स्लो स्टेट है। तो स्लो स्टेट होने की वजह से यही RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। लेकिन अगले स्टेट में जब लिविंग ग्रुप घट के प्रोडक्ट बनाया तो ये फास्ट है। रिएक्शन सिंगल स्टेट में होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, किसी भी रीअरेंजमेंट को अलाउ नहीं होता। जहां से लिविंग ग्रुप घटेगा न्यूक्लियोफाइल वही ऐड होगा, बस उल्टे डायरेक्शन से ऐड होगा। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या होते हैं? इन्वर्सन, इन्वर्सन, दैट इज कॉल्ड वाल्टन इन्वर्सन। इसको आप वाल्टन इन्वर्सन कहते हैं। SN1 में रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों होता है, राइट ना? यस सर। लेकिन SN2 में क्या होता है? इन्वर्सन, केवल इन्वर्सन होता है, रिटेंशन नहीं होता, केवल इन्वर्सन होता, ओनली इन्वर्सन टेक्स। अब यहाँ पे इन दो चीजों पर गौर, आप अगर यहाँ पे रेट के बारे में देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू दोस रिएक्टेंट टर्म्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन स्लोएस्ट स्टेट। तो यहाँ पे दो दो रिएक्टेंट टर्म है, एक है RN और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में इन्वॉल्व है। तो जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिएगा उसमें दो कंसेंट्रेशन टर्म है, RL भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। दो कंसेंट्रेशन टर्म है, RL भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। दो कंसेंट्रेशन टर्म है, RL भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। इसलिए इसको हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। दो कंसेंट्रेशन टर्म मौजूद होने की वजह से रिएक्शन स्टेट को भी बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको हम लोग बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रिएक्शन में फिर से रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में दो दो रिएक्टेंट होने की वजह से रिएक्शन इज सेड टू बी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको हम लोग बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। SN2 में 2 का मतलब समझ आया? यस सर। बाई मॉलिक्यूलर कारण क्या है? इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में दो रिएक्टेंट टर्म है, RL और न्यूक्लियोफाइल। पिछले केस में जब आप SN1 पढ़े थे तो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ क्या है कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का घटाओगे तो घटेगा। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर SN1 रेट डिपेंड नहीं करता, लेकिन SN2 डिपेंड करता, ठीक है। तो ये रहा सारा इंफॉर्मेशन।
अब यहाँ पे देखिए इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देख लो। इसके एनर्जी लेवल डायग्राम पे जब आप बात करेंगे तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहां से चला ट्रांजिशन स्टेट एंड फाइनल प्रोडक्ट। ये तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा टीएस है, ये रिएक्टेंट है विद न्यूक्लियोफाइल और फिर ये हम लोगों का प्रोडक्ट। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन है लगभग तुम्हारे सामने बोर्ड पे है। अब इसके बाद जो भी आप इसमें डिस्कस करेंगे वो इन्हीं से जुड़ा हुआ दूसरा सेक्शन होता है। सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसका फॉर्मेशन करता है? इनवर्सल का। क्या इसमें इनेंसियोमर बनेगा? नहीं। अगर इसमें रिएक्टिंग आर फॉर्म है तो प्रोडक्ट एस फॉर्म है। नहीं समझा? आर और एस समझता आर कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसमें रिएक्टेंट आर है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर रिएक्टेंट डी फॉर्म में है तो प्रोडक्ट एल फॉर्म में है। अगर रिएक्टेंट प्लस फॉर्म में है तो प्रोडक्ट माइनस फॉर्म में। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग इसमें सोचते हैं। आगे देखो आप इसमें फैक्टर्स deciding SN to rate factors deciding SN to rate factors जो SN to rate को decide करें। सबसे पहला चीज ease of attack of nucleophile from back side of reactant। ये बहुत बड़ी बात लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। जितना इजीली न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्टेंट के बैक साइड से अटैक करेगा, जितना इजीली रिएक्टेंट का बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। और इसको कौन डिसाइड करेगा पता है? जरा गौर से हमारे C के साथ CL है और यहाँ पे तीन H लगा हुआ है, छोटा छोटा H। और हमारे पास C के साथ CL है और यहाँ पे तीन CH3 लगा हुआ है, CH3। ये बड़ा बड़ा CH3। तुम खुद से सोचो किस केस में बैकसाइड अटैक से बैकसाइड अटैक न्यूक्लियोफाइल का इजी है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला। कारण स्टेरिक हिंड्रेंस, छोटा छोटा हाइड्रोजन होने से यहाँ क्राउडिंग रीजन कम है, भीड़ भाड़ कम है। अगर भीड़ भाड़ कम है तो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्पेस में ज्यादा आसानी से होगा, इस वजह से रेट ऑफ एस एन टू फास्ट होगा। आप इसको कह सकते हो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। Less steric hindrance, यहाँ पे more steric hindrance, more steric hindrance, less steric hindrance, more steric hindrance। हमेशा ध्यान रखना कि SN2 rate जो है वो steric hindrance के साथ inversely है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो एसएन टू रेट कम है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो एसएन टू रेट ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं आ सकता। तो जरा देखो क्या हम लोग सबसे इजी वे से बोल सकते हैं CH3Cl का एसएन टू रेट ज्यादा होगा कंपैरिजन टू CH3CH2Cl, कंपैरिजन टू CH3Cl, कंपैरिजन टू CH3CCl। तो पता चला लेफ्ट से राइट स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ते जा रहा। तो अगर लेफ्ट से राइट स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ते जा रहा तो SN2 रेट घटते जा रहा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे आप SN2 रेट को पहली बार में डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप वाला कांसेप्ट दोनों केस में सेम, लिविंग ग्रुप वाला कांसेप्ट दोनों केस में सेम है। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा हुआ, बहुत इजीली
मॉलिक्यूल को छोड़ के हट गया, तो याद रखना SN1 का रेट भी ज्यादा होता है और SN2 का भी रेट ज्यादा है। ठीक है, चलो नोट करो यहाँ पर, फिर आगे। आप लोग का आवाज आ रही है उधर? नोट करो, कहीं डाउट है पूछ लो। Yeah।
पे रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी है भाई, इसलिए बी सबसे अच्छा। तो जब ऐसे टू रेट बोलोगे तो बी सबसे अच्छा, और बाकी और सी के तो तुम समझ ही रहे हो आईडी का सही पड़ा। जिस लिविंग ग्रुप में रेजोनेंस का सपोर्ट है उसका स्टेबिलिटी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा। इससे आगे एक ही चीज है, कौन है? एरोमेटिसिटी। तो अगर एरोमेटिक स्टेबिलिटी आता है तो एक अलग बात है, लेकिन रेजोनेंस है तो है, इसमें भी इक्वल रेजोनेंस। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पहले पढ़ाया गया है, समझ आ सकता है। अगला एक एग्जांपल देखो, मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने ये मॉलिक्यूल रखें CH3 C2H5, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, आप इसको रिएक्ट करा दिए हैं KCl के साथ, KCl will provide you Cl minus, okay? KCl का liquefy कौन है? Cl minus, ठीक है? अब आप बताओ यहाँ देख के, ये 2 degree alkyl है, 2 degree है ना, ये alkyl है, 2 degree alkyl है, तो यहाँ SN1 SN2 दोनों हो सकते हैं, ठीक है? अब ऐसे केस में क्या है, अगर हम बोल दें कि यहाँ पे SN2 के हिसाब से रेट लिखो, SN2 के हिसाब से, तो आपको एक ही आंसर SN2 में मिलेगा। C2H5 ऊपर है, CN है लेफ्ट में, CH3 है राइट में, और H इधर। कोई इसका नोमेनक्लेचर बता सकता है? R और S के फॉर्म में कौन सा फॉर्म है ये? ये है S कॉन्फ़िगरेशन। सर कैसे लिख रहे हैं सर? तो सोच लेना पड़ेगा, जब पढ़ाना तो पढ़ाओ, ठीक है? ये S configuration inversion से बना, this is R configuration। ठीक है, ये R और S nomenclature का part। आप जब तक पूरा नहीं समझिएगा ना, पूरा अगर याद नहीं कीजिएगा ना, तब तक आपको organic घुमाते रहे। एक बार अगर तुम पूरा याद कर लिया, ठीक है, R और S कैसे आया? फिशर प्रोजेक्शन में सिखाया गया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते चारों ग्रुप का, फिर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है उसको नीचे भेज देते हैं, फिर 1 से 2, 2 से 3 अपना आई साइड घुमाते हैं, अगर वो लेफ्ट आया तो S, अगर राइट आया तो ये रहा 4 नंबर, ये रहा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 2 3 लेफ्ट, S का 4 नंबर, 1 2 3 राइट नंबर। इतना ही देर लगता है, जिसको आपको मैथ्स में 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाए लेकिन उसमें इतना ही होता है, उसी को सीखने में आप पसंद, ठीक है? तो ऐसे डिसीजन होता है ऐसे। अब यहाँ पे एक और लाइन हम ऐड करना चाहते हैं, सो बी केयरफुल थोड़ा, याद रखना कि SN2 रेट डिपेंड्स ऑन concentration of K3O5 as well as the strength of nucleophile, the strength of nucleophile, ठीक है? अब इसमें हम क्या बताना है, एक्चुअली हम कुछ लिख रहे हैं, थोड़ा सा कोई कैरफुली देखना, ध्यान से देखना। CH3Cl, what is the alkyl like? CH3CH2Cl, ये भी बनेगी, फिर CH3 बॉन्ड C के साथ CH3 पैक अप कर दो, एक्चुअली सब बहुत कुछ सब बंद कर दो, पढ़ना है तो मेरे को भाई जान था किसी के बेवकूफी का कोई दूसरा है ना नुकसान जरूर। इन्वर्टर जैसे प्लग से जुड़ा हुआ था, जो चार्ज होने वाला स्विच था उसको कोई रोका ही नहीं, कर ऑफ कर दिया गलती से इन्वर्टर साइड, ये भी सुबह से 2 डिग्री 3। तो ये इसको एक्चुअली आप सुपर 1 डिग्री भी कहते हैं, मिथाइल का मिथाइल क्लोराइड, ये भी 1 डिग्री, ये सुपर 1 डिग्री है या मिथाइल क्लोराइड, ये 2 डिग्री है। देखिए ये 1 डिग्री वाला जो है ना,
केवल SN2 शो करेगा, इसमें SN1 होगा ही नहीं। क्यों? 1 डिग्री कार्बन का लीस्ट स्टेबल होता है तो SN1 नहीं होगी, और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो SN2 सबसे ज्यादा होगा, तो क्या होगा SN2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिग्री वाले में केवल SN1 होगा, कारण 3 डिग्री है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है इसलिए SN2 नहीं होगा, और बना हुआ कार्बन का एंड हाईली स्टेबल है इसलिए SN1 होगा, तो खाली SN2। इसमें भी यही कहानी चलता है, वाली SN2 सब कंफ्यूजन इसको ले 2 डिग्री। एक्चुअली बिन केंद्रीय का लोटा का बिना केंद्रीय का लोटा होता क्या है ना, उसमें ना नीचे वाला है ना बेस है ना बराबर नहीं रहता, तो उसको आप रखिएगा ना तो लुढ़क जाएगा, जिधर भी फूंक मारिए उधर लुढ़क जाए। नहीं सर हम सब अरे लोगों हिंदी भी नहीं, और ये रुक जाओ जी फिजिक्स से और केमिस्ट्री बाद में तो वो लोग कौन है ना, वो या तो 3 डिग्री है या 1 डिग्री है, खड़ा होगा भाई SN1 के साथ तो SN1 के साथ, SN2 के साथ तो SN2, और ये बीच में 2 डिग्री, इसमें जिधर फूंक मारो उधर ही, मतलब कोई भी दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर अगर हुआ तो वो SN2 को सॉरी 2 डिग्री को SN2 की तरफ भी ले जा सकता है, SN1 की तरफ भी ले जा सकता है, तो सारा फैक्टर यहीं पे आपको खेल खिलाया जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है SN2 होगा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 होगा, ठीक है। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो SN2 होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम है SN1 होगा। अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो SN1 होगा, और अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 होगा। समझ गए सब के लिए, कैन बी SN1 कैन बी SN2। SN1 SN2 चलो यहां तक नोट करो फिर और भी आगे। प्रोफेशन का इज्जत होता था आज से 4-5 साल पहले इज्जत, ठीक है, लेकिन अब आज है ना पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल है, ठीक है, दिस इज नॉट गुड। चलो आगे देखो इसमें, फॉर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कंडीशंस ट्रांसफॉर्म कर देता है कि वेदर इट इज SN1 और SN2, SN1 होगा या SN2 होगा, ये कंडीशन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। देखो जैसे हम क्या कह रहे हैं, हम तुम्हारे सामने लिख रहे हैं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH CH3 और यहां पे Cl, देखो 2 डिग्री दे दिए ना, देखना देखना रुक जाओ वेट करो नोट नहीं करो, देखो अगर हम इसको रिएक्ट करा दें, अगर हम इसको रिएक्ट करा दें CH3OH के साथ इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस एक्वस मतलब क्या हुआ ना कि पानी है, तो CH3O- का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। अब होता क्या है कि इस केस में और यहां पे भी हम तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, हम तुमको लिख रहे हैं कि इसका रिएक्शन करा दो CH3O- Na+ के साथ, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, आपको ये समझना होगा नहीं तो आप मैंने बीच में फंस गए। ऊपर वाले में न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है और सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक H2O, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो SN1 फॉलो होगा। नीचे वाले में एक तो न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्गली तुमको आयनिक फॉर्म में देता है, तो यहां फॉलो होगा SN2, यहां फॉलो होगा
जो स्टूडेंट समय पे इसका डिसीजन ले लिया वही आंसर सही पिक कर पाएगा। क्यों? जब एसएन वन होगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसलिए तुम्हारा जो मेजर सेक्शन प्रोडक्ट का बनेगा, तुम्हारा जो मेजर सेक्शन प्रोडक्ट का बनेगा वो होगा ऐसा, एक सी एस थ्री यहां चला जाएगा और ओ सी एस थ्री यहां आएगा। समझ में आया? आफ्टर रीअरेंजमेंट बना ये वाला प्रोडक्ट, आफ्टर रीअरेंजमेंट बना। यहाँ पे CH3 और यहाँ प्लस आया। अब इस प्लस के साथ तुम रिएक्ट करा दो CH3OH को। देखिए मैं कह रहा हूं समझ, हम केवल C लिख देते हैं, तुम समझ जाना। तो यहां पे जाएगा O, O अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा O CH3 और H O पे आएगा प्लस, प्लस को हटाने के लिए हाइड्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट के तौर पे ये दिखेगा। क्या तुम्हें समझ में आया हम क्या लिखे? अगर आप इतना मैकेनिज्म दिमाग में दौड़ा सकते हैं तो आप यही आंसर लिख सकते हैं। जैसे हम लिखे क्या भाई, CH3 यहां से यहां चला जाएगा, O CH3 यहां। इस केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, SN2 है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, बैक साइड से अटैक, एक प्रोडक्ट बनेगा और वो आंसर होगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और इधर आ जाएगा O CH3। उल्टा क्यों लिखा है? इनवर्स, समझा? तो ये प्रोडक्ट बनेगा SN2। सो इन सब चीजों को तुमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, SN1 कहाँ लग रहा है, SN2, और खास तौर पे जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री में ही तो खेल, 1 डिग्री SN2 फॉलो करो, 3 डिग्री में क्या करो, SN1 फॉलो करो, ठीक है? लेकिन 2 डिग्री में सीधा कंडीशन क्या देगा उस हिसाब से था। नोट करो, लिखा दे चलो जी, थोड़ा कंपैरिजन लिखो, तो थोड़ा नीचे एक लाइन कंपैरिजन का लिखो, कब SN1 फॉलो करना, कब SN2। इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, लिखो इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो क्या ये डिफरेंस लिखेंगे आप? लिखे ना सजेस्टेड इन आप सवाल, इन केस ऑफ SN2, सॉरी इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड फर्स्ट में लिखो, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 इज फेवरेबल, बट इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 इज फेवरेबल। अभी समझ गए आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, बता रहे हैं कि अगर ये रहेगा तो इसको फॉलो करना, ये रहेगा दूसरा पॉइंट लिखो, एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN2 is followed but at low concentration SN1 is followed. Next point, For a strong nucleophile, SN2 is followed. But for the weak nucleophile, हम बोले for a strong nucleophile SN2 is followed. But for new weak nucleophile.
SN1 is falling. ये हो गया आप लोग का ऑनलाइन में इधर हो गया. ध्यान से देखो, चीजों को समझो. अगला हम लोग देखने जा रहे हैं SNI रिएक्शन. SNI न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल. स्कूल सिलेबस में नहीं है, ठीक है. SN1, SN2, NCERT पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना, पूरा का पूरा जो अल्काइल हैलाइड है ना, उसका शुरुआती पेज इसी से भरा हुआ है. जैसे उसका केमिकल रिएक्टिविटी खोलोगे ना, एकदम पहला लाइन से पढ़ना स्टार्ट करना, SN1, SN2 भरा हुआ. ठीक है, समझ गए. तो लगभग समझ जाइएगा कि NCERT है ना, आधा से ज्यादा आपका खत्म हो चुका है SN1, SN2. अब क्या होगा, रिएक्शन से और कुछ नहीं. SNI आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन कंपटीशन में है तो आप उसको देख, क्योंकि साइन सब्स्टिट्यूशन तो हम पढ़ा चुके बन जाएंगे. ये व्यवस्था इसको देख. मान लो हम लोगों के पास, सपोज हम लोगों के पास कोई अल्कोहल है. आप याद करो, अल्कोहल को अगर आप रिएक्ट कराते हो SOCl2 के साथ, तो हम लोगों के पास सबसे अच्छा मेथड है, क्लोरीन ला जाता है, साथ में SO2 बन जाता है और साथ में HCl बन जाता है. दिस इज अ बेस्ट मेथड फॉर कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड ड्यू टू हम लोग इसका मैकेनिज्म जब देखें, OH होता क्या है कि OH का जो यहां पे H है और जो S डबल बॉन्ड OCl और Cl, इसको अच्छे से पहचान है. OH क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन O से ले लेता है. OH का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन O ले लिया, एच हो गया प्लस, वो कैसा हो गया, माइनस. जब आप इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन, तो क्या सल्फर पॉजिटिव आएगा. तो ओ जो है वो इसके साथ, तो हमारे पास बना ऐसा ओ माइनस हटा देगा एस, ओ माइनस HCl और HCl, सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. बगल में कौन मौजूद है, याद रखना H प्लस है, वो H प्लस यहां से नहीं निकल रहा. खेल देखो क्या होता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से आता. देखिएगा आप, एक स्टेप में बहुत सारा स्टेप है, क्योंकि इसमें इसी स्टेप में सब काम होता है, अच्छे से समझना. ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इस ऑक्सीजन पे गया, ऊपर का ये माइनस नीचे आया, ठीक है. ये क्लोरीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्लोरीन इस सी के ऊपर अटैक किया. देखो तो ऊपर वाला प्रोडक्ट बन जाएगा. इस मॉलिक्यूल के अंदर का ही एक हिस्सा न्यूक्लियोफाइल की तरह सर्व कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. बाहर से कोई नहीं आया, न्यूक्लियोफाइल बन गया. इस मॉलिक्यूल का ही जो एक हिस्सा था वो इंटरनल बेस से अटैक कर रहा है. क्या ये अटैक बैक साइड से हो सकता है, नहीं हो सकता, जिधर ये रहेगा उधर ही जाएगा. इसलिए अपने कॉपी पे देखना, लिखा गया था रिटेंशन होता है. हाँ, तो वो जिधर से अटेगा सील उधर ही जाएगा, बैक साइड से आएगा, ठीक है. अब देखो हम एक स्टेप गलत बना रहे, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारा स्टेप एक साथ हो रहा है, तो अगर आप तोड़िएगा नहीं ना तो आपको दिखेगा नहीं. हम एक स्टेप गलत है, यहाँ C के साथ Cl आ गया, O पे माइनस आ गया, S डबल बॉन्ड O आ गया, HCl है. ऐसे नहीं रहता, ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर देखता, Cl हट जाता है H के साथ, तो बन जाता है SO2 और साथ में कौन, HCl, और ये रहा तुम्हारे पास.
इसको कहते हैं SNI रिएक्शन। अब आप अगर कॉपी रीड किए होंगे अच्छे से तो आपको यही सिखाया गया था कि SNI में अगर पाइरीडीन डाल दें तो रिटेंशन इन्वर्सन दोनों होता है, रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों होने लगता है। कारण क्या है, पाइरीडीन जब आप डालिएगा वो बेस है, वो क्या करता है इस सीएल के साथ अटैक कर जाता है तो इसको टूट के अलग होना पड़ता है तो फॉर्म कार्बोकैटायन। पर अगर वो कार्बोकैटायन बन गया तब तो आप दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। अभी ये कार्बोकैटायन नहीं बना, बीच का एक स्टेट है वहीं ये सारा खेल हो रहा है तो केवल होता है रिटेंशन। लेकिन अगर ये पाइरीडीन आ गया वो इसके साथ सॉल्ट बना लेता है, सॉल्ट बना लिया मतलब ये ऑक्सीजन हट गया मतलब सॉल्ट बन गया तो ये स्टेट यहाँ नहीं होता है तो इसको तोड़ के अलग होना पड़ता है। यहाँ से जैसे हटेगा ये कार्बोकैटायन फिर अगले स्टेट में सीएल माइनस जनरेट होगा और फिर वो है ना कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, दोनों साइड से अटैक हो सकता है तो उस केस में रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों होता है। लेकिन अगर बिना पाइरीडीन के आप जा रहे हैं तो बल्ली retention in configuration text, this is called SNI। नोट कर लो, हम स्टेटमेंट लिखवा देते हैं बस यही एक रिएक्शन। और एक होता है SO2Cl2। हाँ हाँ वैसे तो Cl2 मोस्ट सल्फ्यूराइड हैलाइडिक हाँ। ये थोड़ा स्टेटमेंट लिख लीजिए इसमें, इन केस ऑफ SOCl2, इन केस ऑफ SOCl2, इन केस ऑफ SOCl2 ड्यूरिंग अटैक Cl माइनस ब्रैकेट में न्यूक्लियोफाइल is generated, nucleophile is generated by internal part of reactant itself, by internal part of reactant itself, and attack of Cl minus is Cl minus is towards same side of OH. Attack of Cl minus is towards same side of OH. OH. So only retention in configuration takes place. Retention in configuration takes place. But if pyridine is used with SOCl2, carbocation is formed as reaction intermediate. So retention as well as inversion both takes place. Okay.
देखिए यहाँ पे हम आप सभी को बोलना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक आप में से जिनके पास भी है, आपको मेरा ये पूरा का पूरा टेबल अगले दिन बना के आइएगा, क्योंकि ये सारा रिएक्शंस हो चुका है। हमको इसमें कुछ है ना अलग से आपको समझाना। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग देखिए कहाँ से पेज नंबर, हम आपको ऐसे ही बोल देते हैं, पेज नंबर 299 में लिखा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वहां से लेके आप फॉलो अप कर सकते हैं, एक एक पेज अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको बहुत चीज एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, और आप पहुंच जाइएगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 309 पेज के पास। रिटेंशन, इन्वर्सन, ये सब आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है, हर पेज मिल जाएगा। अब उसके बाद है ना हम लोग अगले दिन इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगले दिन जब आप बैठो तो आप ये सारा रिएक्शन है ना चार्ट बना के आना। पेज नंबर 300, पेज नंबर 300, यहाँ देखो ये चार्ट है, ये चार्ट देख रहे हो सब कोई? ठीक है, ये चार्ट जैसे है वैसे बना के आ जाना, बाकी समझाना मेरा काम। वैसे आप थोड़ा भी दिमाग पे स्ट्रेस दीजिएगा तो सब समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन आप छोड़ दीजिए, हम आपको सारा चीज हम भी बनाएंगे, लेकिन बनाने का समय बच जाएगा अगर आप पहले से बना के रखेंगे, नहीं तो फिर फालतू भाई टाइम लगेगा। हम बनाएंगे, हम सारा चीज इसमें लिखेंगे, लेकिन आप बना के रखिएगा तो आपका टाइम, ठीक है। चलो इतना पढ़ लेना, इसमें नेक्स्ट डे है ना, ऑलमोस्ट एक या दो दिन और लगेगा, सब खत्म है, तो आप लोग ध्यान से देख के रखिएगा। इस बुक को जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िएगा, इसमें SN1 SN2 में क्या क्या वर्ड्स लिखा है अच्छे से देखिएगा, कोई भी लाइन पैराग्राफ अगर नहीं समझ में आया प्लीज मार्क, उसको मार्क करके हमसे पूछ लेना, ठीक है।